हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऐशप्रिया भोजक चैनल। हम सब जानते हैं श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे परिवार में जिन सदस्यों की मृत्यु हो जाती है वो पितृ पक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और उनकी आत्मा हमारे साथ रहती है। तो जो लोग नहीं हैं, हमें उनके लिए शोक व्यक्त करने की हेतु श्राद्ध पक्ष है। तो ऐसे शोक के मौके पर नए कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हमें नई कार या नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हमें सोने की या फिर लोहे की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। हमें नया घर नहीं खरीदना चाहिए या फिर नए घर का कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन भी वर्जित है। हमें इन दिनों सिर्फ हमारे ग्रह के उपाय और जो हम रोज़ाना पाठ करते हैं वो ही करने चाहिए। पितृपक्ष में जिसे पितृदोष है उन्हें उनके लिए उपाय करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में नया व्यापार शुरू मत करें। पैसों से जुड़ा कोई भी नया काम मत करें, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाना। अगर किसी की शादी है तो शादी का कोई भी सामान मत खरीदे, क्योंकि ये खुशी का मौका है। श्राद्ध के वक्त आप बीमार होकर अस्पताल में दाखिल होने जा रहे हैं तो चीनी चावल आटे का दान करके जाए। श्राद्ध पक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा कुत्ता, कौवा, गाय या फिर बिल्ली को खिला देना चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।